हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी जो एग्ज़ाम होने वाला है और एनटीपीसी सीबीटी 2 का भी एग्ज़ाम होने वाला है, इन एग्ज़ाम्स में रेलवे द्वारा कई सारे विटामिन्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, इनको याद करने की आज हम एक धमाकेदार शॉर्ट ट्रिक लेकर आए हैं। इसे रटना नहीं है आपको, बिल्कुल इमेज को इमेजिंग करके आपको याद करना है, ठीक है। ट्रिक बहुत ही अच्छी होने वाली है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और हाँ दोस्तों, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ऐसी ही ट्रिक्स और रेलवे भर्ती बोर्ड की पल पल की अपडेट्स के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 2018 में एग्ज़ाम्स हुए थे ग्रुप डी के, ठीक है। 2018 में एग्ज़ाम्स हुए थे ग्रुप डी के, उसमें उसके बाद जेई का एग्ज़ाम हुआ था, रेलवे लोको पायलट का एग्ज़ाम्स हुआ था, और जो अभी एनटीपीसी हाल ही में एग्ज़ाम्स कंप्लीट हुए उसमें भी विटामिन्स के रासायनिक नाम पूछ लिए गए हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इसके आंसर हमें बच्चों को पता नहीं होता है और या तो वो गलत कराते हैं या उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें एक नंबर पक्का मिलेगा, आप सारे विटामिन्स के नाम एक ट्रिक के माध्यम से बताएंगे हम आपको, और इस ट्रिक के माध्यम से यदि आप क्वेश्चन अगर सही करके आते हैं तो आपको एक नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दूं कि 2018 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद उसके पहले ही लोको पायलट का एग्ज़ाम हुआ था, और अभी एनटीपीसी में भी जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इन्हीं में आप प्रीवियस ईयर के जो सारे क्वेश्चन हैं रेलवे के वो उठाकर देख सकते हो। विटामिन्स के हर शिफ्ट में विटामिन्स के रासायनिक नाम एक से दो क्वेश्चन जरूर पूछे गए, तो एक से दो क्वेश्चन अगर अपने आते हैं तो एग्ज़ाम में हमें दो मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक मार्क्स भी यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपके सामने इमेज को ओपन कर रखा है, यहाँ पर आप जस्ट इमेजिन कीजिए, ठीक है। हमारी ट्रिक कुछ इस प्रकार होने वाली है कि ये एक है, ये कौन सी गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी, इसे क्या बोला जाता है, रथ, ठीक है, रथ है। अब इस पर क्या हुआ कि ये आदमी, यहाँ पर आदमी न ही बैठते हुए क्या है, एक ट्रॉफी रखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर रथ को कौन चलाता है, तो आदमी चलाता है, परंतु आदमी ना होते हुए यहाँ पर क्या रखा गया है, एक ट्रॉफी रखी गई है, ठीक है। तो बस याद रखिएगा, इसकी ट्रिक कुछ इसी प्रकार से है कि रथ पर एक ट्रॉफी, ठीक है, आदमी नहीं है तो क्या है, रथ पर एक ट्रॉफी है, ठीक है, ये ट्रॉफी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो क्या है इसका वर्ड, क्या है, रथ पर एक ट्रॉफी, तो ये हमारी ट्रिक होने वाली है। तो चलिए हम ट्रिक का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारी ट्रिक का जो नाम है रथ पर एक ट्रॉफी, उसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार है। तो हमारी ट्रिक क्या है, रथ पर एक ट्रॉफी, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार है, रथ मतलब र से बना रेटिनॉल, ठीक है, विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, रथ में र से बना रेटिनॉल, विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। उसके बाद था, रथ में अगला वर्ड क्या है, था, तो था से बना थायमिन, ठीक है, इसका नाम है विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमिन। तो रथ मतलब कि रेटिनॉल और थायमिन, तो विटामिन बी, और ये बी वन भी कहलाता है, ठीक है, विटामिन बी वन भी कहलाता है। और जो पर है हमारे लिए, ये साइलेंट वर्ड है सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला देख लेते हैं हम। कुछ इस प्रकार से जो हमारा अगला वर्ड है वो एक टॉफी, ठीक है, रथ तो हो गया हमारा रेटिनल और थाइमिन का, पर एक साइलेंट वर्ड था, उसके बाद है एक टॉफी, तो एक में ए से बना एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक है। विटामिन सी जो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो आंवला में पाया जाता है, ठीक है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। इसी के बाद देखेंगे तो क से बना कैल्सिफेरॉल, ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल, ठीक है, विटामिन डी जो है कैल्सिफेरॉल। इसके बाद टॉफी, टॉफी में टो से बना है टोकोफेरॉल, ठीक है, किसका नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टॉफी टोकोफेरॉल। उसके बाद है फी, फी से बना है फिलोक्विनॉन, ठीक है, फी से बना फिलोक्विनॉन, विटामिन के का रासायनिक नाम है, किसका रासायनिक नाम है, कि तो विटामिन के का, और विटामिन के जो है, विटामिन के जो है रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आएगा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमारी जो ट्रिक है वो किस प्रकार से है। ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि रथ पर एक ट्रॉफी, तो रथ में रथ से बना है रेटिनॉल, थ से बना थायमिन, पर हमारा एक साइलेंट है। इसके बाद हम देखेंगे एक ट्रॉफी, तो एक ट्रॉफी में ए से बना एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, क से बना कैल्सिफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है,
टो से बना टोकोफिरॉल विटामिन ई का नाम है और फी से बना फिलोक्विनॉन विटामिन के का रासायनिक नाम है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी प्रकार से और भी ट्रिक्स है, अगर आपको पसंद आई ट्रिक और इसी प्रकार से कुछ और भी ट्रिक्स चाहिए आपको विटामिन की और बहुत सारे जनरल साइंस के क्वेश्चंस की, तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको इस इमेज को इमेजिन करना है कि रथ पर एक आदमी ना बैठते हुए क्या हुआ था, रथ पर एक टॉफ़ी रखी हुई थी। ठीक है, रथ पर एक टॉफ़ी रखी हुई थी, तो ये हमारा वर्ड हो गया रथ पर एक टॉफ़ी। ठीक है, रथ पर एक टॉफ़ी से बन गया है। रेटिनॉल थायमिन पर एक साइलेंट है। एस्कॉर्बिक एसिड कैल्सिफेरॉल टो से बना टोकोफेरॉल फी से बना फिलोक्विनॉन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।